बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी डिवीजन के बारे में कि एक बाइनरी नंबर का दूसरे बाइनरी नंबर से डिवाइड कैसे किया जाता है। लेट्स टेक द एग्जांपल। बेस टू डिवाइड बाय 101 बेस टू। ओके जी, अब मैंने डिवाइड करना है इस नंबर को इस नंबर के साथ। लेट्स डिवाइड 110 110 110 डिवाइड बाय 101। अब देखें, थ्री डिजिट या थ्री बिट्स की काउंटिंग बाइनरी के अंदर हमें आती है, फोर बिट्स की काउंटिंग हमें आती है। मतलब हमें पता है कि 101 बाइनरी में किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, 110 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है, एंड सो ऑन। तो अब आपने उसी चीज़ को जहन में रखकर इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ये क्या नंबर है 101, ये क्या नंबर है आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये पता है ये जो 110 है ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 1s are 5 है, तो 5 1s are के नीचे में ये 5 लिख दिया मैंने। अब मैं बजाय इसके कि सिंपल सब्ट्रैक्शन करूं, सिंपल सब्ट्रैक्शन का मेथड मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं और आप वहां से उसको कंसल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पर क्योंकि मुझे पता है कि 110 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल और 101 किसके इक्वल है 5 के इक्वल, इसलिए मैं पूरी सब्ट्रैक्शन करने के बजाय मैं अगर इतना कहूँ कि 6 - 5 = 1 होता है, इट मीन्स आई कैन राइट हेयर जस्ट 1 6 - 5 = 1। जब आप सिंपल डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो आप नीचे ऐसे उतार लेते हैं कि हमने नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पर नीचे उतार लिया। अब ये आपके पास क्या बना, 1 1 = 3 होता है, पर 101 किसके इक्वल है 5 पे इक्वल है, 3 लेस है 5 से, इसका मतलब कि हम इसको अभी मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमें एक डिजिट और चाहिए। अब एक डिजिट और उतारने के लिए मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा और यहाँ से मैं 1 1 नीचे उतार लेता हूँ। अब ये क्या बन गया, 111 = 7 होता है, ये क्या है 5, तो 5 1s are 5। नाउ 7 - 5 = 2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 को बाइनरी में 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2 क्योंकि 5 से लेस है इसलिए मुझे एक और नंबर चाहिए, बल्कि अगर ना भी चाहिए होता तो ये डिजिट तो मैंने नीचे उतारना ही उतारना है। 100 = 4, ये क्या है 5, अब 4 5 से अभी भी लेस है, मुझे एक डिजिट और रिक्वायर्ड है, वो मैं अगला डिजिट कैसे नीचे उतार सकता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ 0 और यहाँ से एक डिजिट और नीचे उतार लेता हूँ, दैट इज़ 1। अब 1 0 0 1 किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि 1 0 0 1 = 9, ये है 5, तो 5 1s are 5, 9 - 5 किसके इक्वल 4 के इक्वल, तो यहाँ पर आप 4 को लिखें बाइनरी में, इट इज़ 4। अब आपने नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारना, ये 1 आपके पास आ गया नीचे, ये क्या बन गया 9। अब हमें नेक्स्ट डिजिट की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैं इसको इजीली यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ, 5 1s are 5, 9 - 5 = 4, नेक्स्ट डिजिट हम उतारते हैं नीचे, ये आ गया 0, 1 0 0 0 = 8, 5 1s are 5, 8 - 5 = 3, यहाँ पर आ गया 1 1। अब क्या करें, डिजिट्स भी ख़त्म हो गए, यहाँ पर हमारे पास आया 1, ये है 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है पॉइंट और पॉइंट लगाकर आपने यहाँ पर उतारना है, लिख लेना 0। जैसे आप सिंपल जब डिवीजन करते हैं डेसिमल की, तो होपफुली आपको उसका आइडिया तो होगा कि हमने जब तक आपके पास यहाँ पर डिजिट्स हैं तो अगला डिजिट नीचे उतारने के लिए आप यहाँ पर 0 प्लेस करते हैं। जब आपके पास यहाँ पर डिजिट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट प्लेस करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे 0 लगा सकते हैं। अब ये आपके पास क्या आ गया 110, ये 5, 5 1s are 5, रिमाइंडर 1, एंड सो ऑन। इसी तरीके ये जो डिवीजन है चलती जाएगी एंड योर आंसर विल बी दिस। होपफुली आपको इस डिवीजन की समझ आ गई होगी और आप अपना आंसर जो ऐसे लिख सकते हैं 101011.1 base 2। थैंक यू वेरी मच।